आज हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिलाधिकारी मथुरा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन दिया और मांग की कि हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा और अन्य 5 गौ भक्तों पर लगाए गए फर्जी मुकदमा वापस हो। इस मुकदमे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा विनोद आर्य ने षड्यंत्र करके कृष्ण भक्तों पर फर्जी मुकदमा लिखाया गया और किसी भी कृष्ण भक्त ने फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि दिनेश शर्मा और अन्य ने फेसबुक पर आरक्षण मुर्दाबाद लिखा था, जबकि दिनेश शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा, आप हमारी फेसबुक से जांच करा सकते हैं, पहले भी फेसबुक की जांच हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं पाया गया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि जिस अधिकारी ने ऐसा फर्जी मुकदमा लिखा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने यह अपराध नहीं किया है उन निर्दोष गौ भक्तों को फर्जी मुकदमे से बचाने की कृपा करें। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, उनको बताएंगे मथुरा पुलिस कांग्रेस के चक्कर में आकर गौ भक्त और कृष्ण भक्तों पर फर्जी मुकदमा लिख रही है। दिनेश शर्मा ने बताया, ऐसा पहली बार हुआ है कि सनातनी हिंदुओं पर भाजपा शासनकाल में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर छाया गौतम, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश सिंह, जिला युवा अध्यक्ष विजय पाल सिंह, जिला सचिव सुखपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विद्यासागर गौतम, जिला सचिव राम प्रकाश शर्मा, प्रदेश सचिव संजय पारशर, पवन मुखिया आदि मौजूद थे। गणेश जी, क्या मुकदमे का प्रकरण है, जरा समझाएं, और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और क्या आपत्ति है? ऐसा हुआ था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने फेसबुक पे ये डाला था कि आरक्षण मुर्दाबाद। हमने तो फेसबुक पे एक शब्द नहीं लगा आरक्षण के बारे में, फिर भी हमारे ऊपर हरजन नेट 295A 153A राजद्रोह से संबंधित धाराएं दर्ज कर दी गई। तो हमने साधन प्रशासन ये मांग की है कि आपने हमारी जब फेसबुक की जाँच करा ली उसमें कुछ नहीं पाया गया, उसके बावजूद भी आपने राज्यपाल से परमिशन मांगी है कि इन पर राजद्रोह लगाया जाए। राज्यपाल महोदय से परमिशन होके भी आ गई है कि इन पर हम अनुमति देते हैं कि धारा 295 में ये लगाया जाए और 103 में ये लगाया जाए। तो हम साधन प्रशासन से ये मांग करने आए कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हम भगवान कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, हम पूरे मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित भावना से लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर मुकदमों को लगा कर आप हमको उलझाना चाहते हैं। ऐसा तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में होता था, अब भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में भी कृष्ण भक्तों पे ऐसे झूठे मुकदमे लगेंगे तो क्या होगा? सनातन हिंदुओं धर्मों, जो सनातन हिंदू हैं उनमें भारी रोष व्याप्त है, सभी हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। यदि हमारे ऊपर ये फर्जी मुकदमा नहीं हटाया गया तो हिंदू महासभा सड़कों पर आंदोलन करेगी। आज जिलाधिकारी कार्यालय और SSP कार्यालय पर ज्ञापन दिया है, क्या वजह है? अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जन्मभूमि मामले के मुख्य वादी दिनेश शर्मा जी के ऊपर 1 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो निराधार था, झूठा मुकदमा था। उसको दोबारा खोल दिया गया है शासन की परमिशन से। प्रशासन ने शासन से परमिशन मांगी है कि उनके ऊपर कुछ धाराएं बढ़ा के और उस मामले को दोबारा खोल दिया गया है। हमारी मांग ये है, हिंदू महासभा के प्रत्येक पदाधिकारी की मांग ये है कि उसमें निष्पक्ष जाँच हो और जाँच के बाद उनको उस मुकदमे से निकाला जाए। अगर इस तरह का नहीं किया गया प्रशासन ने तो क्या करेगी? दिनेश शर्मा जी एक प्रखर चेहरा है, हिंदूवादी नेता हैं, वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। इस बात को मथुरा की जनता, क्या देश की पूरी जनता जानती है। वो दिन रात लगे हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में, उनको टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हिंदू महासभा कुछ भी करने को तैयार है, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेगी, हड़ताल करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेगी। लेकिन हमें उम्मीद है प्रशासन से कि वो हमारी निष्पक्ष जाँच करके उनको उस झूठे मुकदमे से निकालेंगे।